हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों मैं हूं नवनीत और मेरे चैनल डीसी मोटार्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर से जो है अपने एलिमेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है और पेंटिंग आज प्रोबेबली आज और कल में ख़त्म हो जाएगी स्कूटर की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने लंबे गैप पे क्यों वीडियोस आ रही हैं और पेंटिंग अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुई, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है था मॉनसून। तो ऑलमोस्ट डेली यहाँ बारिश हो रही है, ये यूपी के गोरखपुर साइड का एरिया है देवरिया, तो इधर मॉनसून काफ़ी ज़्यादा है और सुबह बादल होता है, दोपहर में धूप हो जाती है फिर से, और जब हम सोचते हैं अब काम करा जाएगा तो वापस बादल हो जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा था, सुबह से रात भर बारिश हुई थी, दिन में जो है बादल था और उसके बाद दोपहर के बाद से वापस तेज़ धूप निकली है, तो अब अपना काम शुरू होगा। तो आ जाओ अब दिखाते हैं, और आज हो सकता है प्रोबेबली ये डे वन हो और फाइनल पेंटिंग का, तो इसी वीडियो में ही मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा सारा पेंटिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो खैर अब आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कंसीडर वीडियो को लाइक करना, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें तीन ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी जैसे ही मैं उसे अपलोड किया करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, इतनी मेरी छोटी सी एक ये गुजारिश रिक्वेस्ट ख्वाहिश है आपसे, तो बस इतना छोटा सा आपने काम करना। और अब बिना किसी देरी के अब दिखाते हैं आपको पेंटिंग का काम। आ जाओ देखो पेंट का काम शुरू हो गया है, पेंट भर रहे हैं, पेंट गन में पेंट तैयार हो गया, वो पेंट करने वाले हैं, तो अब मैं बात कम काम ज़्यादा, आ जाओ।
सौ डेढ़ सौ ग्राम स्कूटर का जो है पेंट, जो मेन बॉडी पैनल्स है उनका सारा पेंटिंग प्रोसीजर अब कंप्लीट हो गया है। अब क्लियर कोट लगाएंगे, तो क्लियर कोट में मैं इसमें गोल्डन किरकिरी ऐड करके एक बार चेक करेंगे कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो इम्प्लीमेंटेशन में कैसा लगेगा, तो वो ट्राई होगा। उसके बाद मतलब ये क्लियर कोट का काम हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ जो क्लियर कोटिंग का है। आज जो है डे टू है और जो भी छोटा छोटा सामान है वो सारा पेंट हो चुका है कल ही फाइनल, और उसको अब मैं गाड़ी में रखवा रहा हूँ। और मेन बॉडी अभी नहीं जाएगी, उसमें थोड़ा सा काम और है। अंदर का जो टनल होता है बीच का वो सब पेंट होना है, ब्रश होगा वो अंदर ताकि जंग ना लगे, तो वो एक काम बाकी है। और बाकी सारा पार्ट्स जो है गाड़ी के पास पहुँच गया है, अब उसे गाड़ी में रखना है, तो मैं उसको रखवाता हूँ। और बाकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें बची हैं उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड नॉइस के लिए इग्नोर करना, पेंटिंग चल रही है थोड़ी वगैरह। तो इधर सारा सामान है, ये मेरी गाड़ी है, पीछे मैंने डिग्गी खोल दिया है। आ जाओ इसको बस फट से रखते हैं। और जब गाड़ी बन जाएगी तब इसका फाइनल रबिंग कटिंग होगा, क्योंकि जब बड़े बनेगा तो उसमें कुछ स्क्रैच लगेगा या पेंटिंग में जो भी कमी हो ठीक किया जाएगा। नहीं गया डिग्गी में तो ये सारा सामान ऑलमोस्ट आ गया। अब देख रहे हैं कुछ और तो रह नहीं गया। अब ये आइटम चला घर। अभी कुछ पार्ट्स और बचे हैं, जैसे जो ग्रिल वगैरह है पीछे की वो ब्लैक में होगा, और व्हील कवर सिल्वर में होना है, तो वो सारा चीज़ें हैं। तो ये कबाड़ में पड़ी हैं चीज़ें हमारी डब्बे में, तो ये सारा चीज़ें अभी बाकी है इनका पेंट होना। इसको भी पेंट करेंगे सिल्वर से और इसको ब्लैक करेंगे।
इसको भी पेंट होना बाकी है, ये स्टीयरिंग रॉड है और ये चीज़ें, तो ये सब जब हो जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें एक दो दिन में हो गई तो इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। कोशिश ये है कि इस वीकेंड में ये वीडियो आ जाए, तो अगर उससे पहले ये काम हो गया तो इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर उसे स्किप कर देंगे, क्योंकि अब उतनी छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब कोशिश यही है कि इसी वीडियो में सब चीज़ें कवर हो जाएँ, नहीं होता है टाइम से वीडियो भी लानी है। तो बस यही था हमारा स्कूटर का पेंटिंग का अपडेट। अब इंजन बिल्ड होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपना जो इंजन का जो केस है, कवर है, उसको बफिंग कराऊंगा पूरा, ताकि वो जैसे रॉयल इनफील्ड के इंजन होते हैं एलुमिनियम वाले विदाउट पेंटेड, तो वो साफ़ हो जाता है आसानी से, और इसका इंजन थोड़ा रफ़ होता है तो साफ़ नहीं होता है, उस पर डर्ट डस्ट चिपकती है, तो इसलिए ये काम करने से अच्छा ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जल्दी ही गोरखपुर जाना पड़ेगा इस काम के लिए भी, देवरिया में ये काम भी नहीं होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और उस पर अच्छे कमेंट्स करना, बताना कि ये कलर आपको कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर ये LML सीरीज़ अच्छी लग रही है। मैं हिमालयन पे भी वीडियो बनाता हूँ और मैं यामा पे भी बनाता हूँ, लेकिन इधर नहीं बना रहा हूँ, बट बनाऊँगा, उस पर भी आएगी। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें सब्सक्राइब दबाएंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन का होता है, उसको भी प्रेस करना पड़ता है, उसे प्रेस करिए और तीन ऑप्शन आएंगे, उसमें से पहला ऑप्शन ऑल वाला आप सेलेक्ट करेंगे तो मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिल जाया करेगी, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो आप परेशान नहीं होंगे, हफ्ते में एक वीडियो आती है तो वो आप हफ्ते में एक वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए वीडियो के साथ। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।